चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख क्वेश्चन और उनके आंसर वन लाइनर में। शून्य आधारित बजट से क्या तात्पर्य है? तो यह बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान की बात करें तो अभी 2019 में अजय त्यागी हैं। इसका सेबी का मुख्यालय हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक। इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को, ठीक। अगला, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो दिसंबर 1945 में। भारत में पर्यटन व होटल उद्योग को कौन बढ़ावा देता है? तो ITDS। अगला, भारतीय वेतन नीति का आधार क्या है? तो जीवन निर्वाह लागत। अगला, वोल्ट संबंधित है? तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज से। अगला, काम के बदले अनाज कार्यक्रम में किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो याद रखिए, पंचवर्षीय, पांचवी पंचवर्षीय योजना में। अगला है, उपभोक्ता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। अगला है, भारत में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में। मुद्रा उन्मूलन का आयात निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाता है। ब्याज की तरलता अधिगम अधिमान सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो यह कीन्स ने। अगला है, सैनवेट का संबंध किससे है? उत्पाद शुल्क से। अगला है, डाभोल भोल पावर प्लांट किस राज्य में? महाराष्ट्र में। ICICI की स्थापना हुई 1955 में। जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण हुआ 1956 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1935 में। अगला है, बोर्ड ऑफ फोर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन की स्थापना कब हुई? 1987 में। अगला है, स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट को प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन है? आर के सड़ामुखी शेट्टी। अगला है, वाणिज्यिक स्तर की देश की पहली सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की जाए? मथानिया जोधपुर में। क्रिसिल का पूरा विस्तार क्या है? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला, शेयर बाजार में उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो भविष्य में शेयर कीमतों में वृद्धि होने का अनुमान करता है और इसे देखते हुए भविष्य में बेचकर लाभ कमाने के उद्देश्य से शेयर की खरीदारी करता है? तो इसे बुल कहते हैं। अगला, उदार मुद्रा क्या होती है? तो वह मुद्रा जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में पूर्ति अधिक हो। भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है संरचनात्मक बेरोजगारी। G8 संगठन में सम्मिलित किया गया 8वां राष्ट्र कौन है? रूस। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई? इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? 1938 में जवाहरलाल नेहरू। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता के विकास से हटाकर प्रतिरक्षा को की ओर केंद्रित किया गया? तो यह तृतीय योजना। अगला, भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया था? तो महाराष्ट्र ने। अगला, केंद्र सरकार ने वर्ष 2001 को घोषित किया? तो महिला अधिकारिता वर्ष। अगला, राष्ट्रीय इक्विटी निधि स्कीम का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी द्वारा। अगला, सैंडवेट क्या है? तो केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रणाली। अगला, नवीन राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत साक्षरता दर 75% कर लेने को क्या समय सीमा निर्धारित की गई? सन 2005 की गई थी। अगला, भारत में औसतन एक डाकघर कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है? तो 21.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को। अगला, इंटरनेट का सम्राट किसे कहा जाता है? तो ये माया मासा योशी सन। अगला, भारत में श्वेत क्रांति का प्रथम चरण ऑपरेशन फ्लैट थर्स्ट कब प्रारंभ किया गया? 1970 में। अगला, 21 वर्ष आंध्रा बैंक कोऑपरेटिव बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक और विजय बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो 15 अप्रैल 1980 को। अगला, श्रम विभाजन बाजार के आकार के द्वारा सीमित होता है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? एडम स्मिथ। अगला, विश्व बैंक ने भारत को सामान्यता किस अवधि की योजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराया? तो यह दीर्घकालीन परियोजना। अगला है, हमारा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1964 में। अगला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो 1949 में।
अगला 21 पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया, चौथी पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। अगला 21 पंचवर्षीय योजना को पूरी होने से एक वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में। अगला है समन्वित ग्रामीण विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई, तो 1978-79 में। व्यय सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे, केपी गीता कृष्णन। अगला राष्ट्र आरडीबीआई का अध्यक्ष कौन, तो आर एम माला, ये तब थे। अभी वर्तमान में 2019 में हेमंत भार्गव आईडीबीआई के अध्यक्ष हैं, हेमंत भार्गव 2019 में। अगला राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन भारत में किस संस्था द्वारा किया जाता है, तो यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है, नाबार्ड के, तो विकास बख्शी। तो 2019 की वर्तमान की बात नाबार्ड के अध्यक्ष की करें तो डॉक्टर हरस कुमार भानवाला है अभी, ठीक। अगला हमारा जब कुल राजस्व के समान ही कुल लागत होती है तब उस स्थिति को क्या कहते हैं, संतुलन स्तर बिंदु। अगला है डॉलेक्स किस स्टॉक एक्सचेंज का शेयर सूचकांक है, तो मुंबई का। अगला है पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का नया नाम बांग्ला रूपांतरण करके क्या स्वीकार किया गया, कोलकाता। अगला है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई, 1948 में। अगला है प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया, 1951 में। अगला सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है, तो उत्तर देश के आर्थिक क्रियाकलाप का वह भाग जो सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है। अगला 21 पंचवर्षीय योजना में भुगतान संतुलन का शुद्ध घाटा कितना है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में। अगला 8वीं पंचवर्षीय योजना में भुगतान संतुलन का शुद्ध घाटा कितना था, तो 58.925 करोड़। अगला है भारत में प्रथम मजदूर संघ अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है जिसकी स्थापना 1920 में हुई, वर्तमान में इसमें कुल श्रमिकों का कितना प्रतिशत भाग संबंधित है, तो 11.4%। अगला है मध्यकालिक उधार दर, वह दर जिस पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक उधार देता है। अगला है भारत में औसतन एक डाकघर कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है, तो यह 21.3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को। अगला है देश में सड़क परिवहन संबंधी मांग की लागत लगभग कितनी प्रतिशत आवश्यकता राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा पूरी की जाती है, 40%। इंदौर में मुख्यतः किसके लादान के लिए बड़े पत्तन का निर्माण किया गया, तो यह मुख्य रूप से कोयला के लिए। भारत में प्रति हेक्टर कृषि भूमि उत्पादकता में सर्वोच्च दो राज्य कौन से, पंजाब और हरियाणा। अगला है भारत में औद्योगिक मूल सृजन किस राज्य में सर्वाधिक है, महाराष्ट्र में। अगला है भारत किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण पर सर्वप्रथम बल दिया गया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगला है भारत में निजी क्षेत्र में पहला बंदरगाह किस राज्य में स्थापित करने की सहमति हो गई है, तो यह पश्चिम बंगाल में। अगला है भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत है, तो यह भारत के समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील का तक कुल 24 लाख वर्ग किलोमीटर तक भारत का ईईजेड है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अगला है स्वतंत्र विदेशी बाजार में यदि किसी स्थान पर कोई मुद्रा कम मूल्य पर खरीदी जाए तथा तुरंत ही अनन्यंत किसी स्थान पर ऊंचे मूल्य पर बेच दी जाए, तो इस क्रिया को कहा जाता है आर्बिट्रेज। अगला है G15 संगठन को की सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी है, 19 सदस्य है। अगला है विश्व व्यापार संगठन के महासचिव कौन है, माइक मूर। देश की पहली डिपोजिटरी द नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड की स्थापना कब की गई, तो यह 8 नवंबर 1996 में। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कब प्रारंभ की गई, तो 1 अप्रैल 1969 को। नवी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति कब हुई, तो 31 मार्च 2002 को। अगला है न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो ये था नवी पंचवर्षीय योजना का। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया, 6 अगस्त 1992 में, 6 अगस्त 1952 को। विश्व का सबसे बड़ी अनुसंधान प्रणाली किस देश की है, तो भारत की है। भारत का पहला निगमित बंदरगाह है एन्नौर।
राष्ट्रीय आवास विकास बैंक किसकी सहयोगी संस्था है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की। अगला है, भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में। अगला है, द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत में हरित क्रांति किस मसाले में मामले में सर्वाधिक सफल रही है? गेहूं और चावल में। अगला है, अवमूल्यन का शब्द का अर्थ होता है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। अगला है, विश्व के किस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है? तो भारत की है। भारत में सर्वाधिक रोगग्रस्तता वाला उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में। अगला है, तंबाकू उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश है चीन। विजन ऑफ साउंड किस ब्रांड के उत्पादन की विज्ञापन पंक्ति है? तो कैन बोर्ड की। भारतीय स्टेट बैंक ने किस नाम से विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की योजना जारी की है? तो इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट योजना। अगला है, सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले नॉन सिपर्स योजना का संबंध है निर्यातित माल से। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है जुलाई जून। अगला है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। अगला है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है तो वास्तविक राष्ट्रीय आय कुल जनसंख्या। अगला है, फिशर के विनिमय समीकरण का सही रूप है तो MBV बराबर PT। अगला है, विश्व आर्थिक फोरम की ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट में किस देश का प्रथम स्थान है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। अगला है, भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तरों पर वाला है? तो 3 स्तरों वाला। अगला है, बैंकों को अपने रोकड़ शेष तथा कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, उसे कहते हैं संविधिक तरलता अनुपात SLR। अगला है, भारत में मुद्रा स्फीति मापी जाती है तो थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। अगला है, श्रेष्ठ बाजार का अर्थ सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। अगला है, भारत के संचित कोष के धन की निकासी किसकी अनुमति से संभव होती है? संसद की अनुमति से। अगला है, भविष्य में उत्पन्न होने वाली संदिग्ध कमी या अभाव का सामना करने के लिए बनाए गए किसी वस्तु के भंडार को क्या कहते हैं? बफर स्टॉक। अगला है, भारत में नियोजित आर्थिक विकास की प्रक्रिया कब प्रारंभ की गई? 1951 में। अगला है, भारत के आकस्मिक कोष में से धन की निकासी किसकी अनुमति से की जाती है? तो यह राष्ट्रपति की अनुमति से। अगला है, भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है इंटक। अगला है, सार्वजनिक क्षेत्र में के बैंक में कौन बैंक सबसे बड़ा है? तो भारतीय स्टेट बैंक। अगला है, भारत में नए निजी के लिए कितनी आरंभिक न्यूनतम चुकता पूंजी होना चाहिए? तो 200 करोड़। अगला है, रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण अपने कोष में रखना चाहिए? 115 करोड़ रुपए। अगला है, बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा कहाँ प्रस्तुत की जाती है? लोकसभा में। अगला है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया? तो 1978 में। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पहरी किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को, IMF को। अगला है, हमारा भारतीय बैंकों की विदेशों में शाखाएं किस देश में सर्वाधिक है? UK में। अगला है, महिला समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई? 2 अक्टूबर 1993 को। विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में है? तो 1 जनवरी 1995 में। अगला है, मूल संरचनात्मक सुविधाएं में शामिल की जाती है? तो ऊर्जा, परिवहन, संचार, बैंकिंग, वित्त, बीमा, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य और शिक्षा। अगला है, भारतीय नियोजन के 4 दीर्घकालीन उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, समृद्धि, पूर्ण रोजगार, आय और संपत्ति की असमानता में कमी तथा समाजवाद समाज की स्थापना। अगला है, गरीबी हटाओ न्याय के साथ समृद्धि के नारे कब दिए गए? 1970 के दशक में। अगला है, क्रमशः आत्मनिर्भरता की प्राप्ति या उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से था? चौथी पंचवर्षीय योजना। अगला है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत निर्धनों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, आवास आदि के न्यूनतम आवश्यक स्तर को उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला है, भारत के किस बैंक ने सर्वप्रथम विभिन्न शहरों में स्थित अपने कार्यालयों को उपग्रह नेटवर्क से जोड़ा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। अगला है, मदडिया किसे कहते हैं? तो स्टॉक चेंज
मैं वह व्यक्ति जो स्टॉक या शेयरों की कीमतें गिरने की आशा में वस्तु को भविष्य में देने का वायदा कर बेचता है। अगला है, भारत में केंद्रीय बैंक का कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, आरबीआई द्वारा। बैंक दर से क्या तात्पर्य है? तो वह दर जिससे पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। अगला है, संविधान के अंतर्गत सार्वजनिक कोष को उगाहने और व्यय करने का अधिकार किसके पास है? केंद्र और राज्यों सरकारों के पास। प्रत्यक्ष कर क्या होता है? तो वह कर जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है और वह उसका भुगतान करता है, प्रत्यक्ष कर कहलाता है। हिंदू विकास दर की अवधारणा किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने दी? तो ये प्रोफेसर राजकृष्णन ने। अगला, ये को क्या है? तो भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था है। अगला, स्वतंत्र भारत में मुद्रा का उन्मूलन प्रथम बार किस वर्ष किया गया? तो 1949 में। अगला, राजा चेलिया समिति की सिफारिशें किससे संबंधित थी? प्रत्यक्ष व परोक्ष कर संरचना से। अगला, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध व नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन किया गया। इस बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? वित्त मंत्री। अगला, किस व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसकी संपत्ति के हस्तांतरण के समय लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? ए, स्टेट ड्यूटी। अगला, कम आय वाले उपभोक्ता अपनी आय का अधिकांश भाग भोजन आदि पर व्यय करते हैं, लेकिन आय में जैसे जैसे वृद्धि होती है तो कुल आय का कम भाग भोजन पर व्यय होता है, यह किसका नियम कहलाता है? एंजल का नियम। अगला है, ऐसी मुद्रा जिसमें विनिमय दर लगातार भुगतान संतुलन घाटे के कारण गिरती रहती है और इस प्रकार की मुद्रा को कोई भी देश अपनी विनिमय कोष के भाग के रूप में अपने पास रखना नहीं चाहते, कैसी मुद्रा कहलाती है? उदार मुद्रा, सॉफ्ट करेंसी। ऐसी मुद्रा जिसमें विनिमय दर के गिरने की संभावना हो या गिर रही हो तथा जिसे कोई भी स्वीकार करने से कतराता हो क्या कहलाती है? उष्ण मुद्रा, हॉट करेंसी। अगला, ऐसे ऋण को क्या कहते हैं जिससे कम ब्याज और लंबी अवधि जैसे आसान शर्तों पर प्राप्त किया जाता है? तो ये उदार ऋण, सॉफ्ट लोन। अगला है, किसी वस्तु पर लगाया गया कर जो उसकी मात्रा के आधार पर ना लगाकर मूल्यानुसार लगाया जाता है क्या कहलाता है? एड वैलोरम टैक्स। अगला, स्टॉक एक्सचेंज में जो व्यक्ति शेयरों की कीमत गिरने की आशा कर सौदे कर भविष्य में देने का वायदा कर बेचते हैं क्या कहलाते हैं? मंदड़िया। अगला, स्टॉक एक्सचेंज में वे व्यक्ति जो शेयरों की कीमत बढ़ाना चाहते हैं क्या कहलाते हैं? तेजड़िया। अगला, अंतरराष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है कैसी मुद्रा कहलाती है? हार्ड करेंसी। अगला, मेरिनो ऊन उत्पादन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, यह किसकी नस्ल है? भेड़ की। अगला, सीडो संबंधित है तो लघु उद्योगों से। अगला, भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग इकाइयां संबंधित हैं तो हथकरघा से। अगला, बैंक दर क्या कहलाती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है? अगला, किसी राष्ट्र में विकास हो रहा है या अथवा नहीं इस तथ्य के अन्वेषण का पारंपरिक अस्त्र क्या है? सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर। अगला, मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा। अगला, स्वतंत्रता के पश्चात पहले 30 वर्षों में राष्ट्रीय आय की समृद्धि की चक्रवर्ती दर मात्र 3.4% रही। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने इसे क्या नाम दिया? तो यह विकास की हिंदू वृद्धि दर। अगला है, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह एम विश्वेश्वरैया। अगला है, भारत सरकार की बाजार से ऋण प्राप्त करने की क्षमता रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किस अनुपात पर निर्भर करती है? तो यह वैधानिक तरलता अनुपात SLR। अगला है, सभी व्यक्तियों को समय पर उनके लिए आवश्यक मूलभूत भोजन उपलब्ध होना खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। खाद्य सुरक्षा को परिभाषित करते हुए परिभाषा जिसके संस्था ने दी? तो एक खाद्य एवं कृषि संगठन FAO। अगला है, किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव को भारत का आर्थिक संविधान भी कहते हैं? तो औद्योगिक नीति 1956 को। अगला है, किस देश का जीवन स्तर प्रमुखता किससे जाना जाता है? तो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय से। अगला है, क्राइसिल किसका संक्षिप्त रूप है? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड का। अगला है, मॉडर्न फूड्स नाम के केंद्रीय सरकार के उपक्रम को किसने खरीदा है? हिंदुस्तान लीवर्स ने। अगला है, उस स्थिति को क्या कहते हैं जब ऋण पर ब्याज भुगतान के लिए भी ऋण लेने की स्थिति आ जाए? तो यह ऋण जाल।